देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं उनीत विष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लाल कुआं से है। हाथी की मौत से मचा हड़कंप। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग के मोटा हल्दू क्षेत्र के जंगल में एक तस्कर हाथी का शव मिला है। हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अब मृतक हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक हाथी की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। बीमारी से हाथी की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इस क्षेत्र में एक साल पहले भी एक हाथी की मौत हो गई थी। आप देख रहे हैं लाल कुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। कितनी उम्र है इसकी और क्या कार्रवाई अब की जा रही है? आज सुबह प्रातःकाल, आज तारीख है आपकी 8 तारीख को, सुबह प्रातःकाल गश्ती के दौरान हमारे स्टाफ को यहाँ पर एक मृत हाथी देखा। ये ग्वाला रोकड़ बीट नंबर 7 गोरापड़ा बीच है। ये नर हाथी, इसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, मृत पाया गया है। और ऐसा कोई बाहरी जो आवरण एग्जामिन करने पर ऐसा कोई संदेहास्पद चीज़ नहीं मिली है। और लगभग 50 वर्ष का हाथी है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बीमारी है। फिर बीमारी हाथों को देर से लग रहा है कि बीमारी है। अब क्या करें? स्पोर्ट पार्टी रिपोर्ट आने के बाद इसकी पूरी जांच पता चल जाएगी। सर, नर है मादा? सर, ये बता दीजिए, नर है। इससे पहले सर के कभी कब हुई हाथी, लास्ट टाइम कब हुई थी हाथी की मौत? कोई आपके लास्ट, सर लास्ट ईयर हुई थी एक हाथी की मौत यहाँ आपके बच्चे धर्मा के हाथी। अच्छा, तो टेंट्स लगी थी वो।